पीरियड्स जल्दी लाने का तरीका, यह महिलाओं का बहुत ही कॉमन सवाल होता है। महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि पीरियड्स जल्दी आ जाएं। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इस बारे में डिटेल में बताऊंगी कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं नेचुरली जिससे कि पीरियड जल्दी आ जाए, और क्या चीज़ हम एज अ डॉक्टर, मैं गायनेकोलॉजिस्ट, ऐसे क्या प्रिस्क्राइब करती हूँ जिससे कि पीरियड जल्दी आ जाए। तो देखिए, पीरियड जल्दी लाने की दो कंडीशंस हो सकती हैं, यानी कि क्यों कोई भी महिला चाहती है कि पीरियड जल्दी आ जाए। पहली बात, या तो उसका पीरियड मिस हो गया, यानी कि जिस टाइम पे आना चाहिए था उस टाइम पे नहीं आया है, डिले हो गया है, दो दिन चार दिन ऊपर चढ़ गए हैं, तो महिला चाहती है कि भाई क्यों नहीं आया, आ जाए। और दूसरा, अगर वो प्रेगनेंसी स्पेसिफिकली नहीं प्लान कर रही है तो कोई भी महिला चाहती है अगर डिले हो गया तो हो जाएगी कि उसका पीरियड आ जाए। दूसरा, कभी क्या होता है, घर में कोई फंक्शन होता है, कोई पूजा होती है, इंडियंस के अंदर, इंडियन सर्कमस्टांसिस में बहुत ही कॉमन है कि महिला को ये होता है कि घर में पूजा रखी हुई है, कोई फंक्शन है, बाहर जाना है, तो वो चाहती हैं कि उनका पीरियड उस टाइम पे नहीं आए, तो उसे जल्दी ला के फिनिश ऑफ करना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आपका पीरियड डिले हो गया है, यानी कि जिस टाइम पे आना चाहिए था उस टाइम पे नहीं आया है, दो चार पाँच दिन या थोड़े और अधिक दिन ऊपर निकल गए हैं, तो आप क्या ऐसा करें जिससे कि पीरियड टाइम पर आ जाए या जल्दी आ जाए या पीरियड आ जाए। तो देखिए, पीरियड एक दो दिन लेट होना एक नॉर्मल चीज़ है, दो दिन चार दिन पाँच सात दिन भी हम उसको नॉर्मल, लेट आने को हम नॉर्मल मानते हैं। कभी कभी चार छः महीने में एक आधी बार ऐसा हो सकता है कि आपका पीरियड दो चार दिन लेट आए। दो चार दिन लेट किस कारण से आ सकता है? देखिए, हार्मोनल चेंजेस हैं, कभी हल्का फुल्का स्ट्रेस बढ़ गया या एनवायरमेंटल चेंज हो गया, यानी कि आपकी जगह ही बदल गई, आप कहीं ट्रेवल करके आ रही हैं, स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण हल्का फुल्का दो चार दिन पीरियड तो लेट हो सकता है, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन कभी कभी पीरियड ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ज़्यादा लेट क्यों हो जाता है, यानी कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए ऊपर, लेकिन पीरियड ही नहीं आया। तो अगर आपके 7 दिन से ऊपर हो गए, यानी कि जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम था उससे 7 दिन अधिक हो चुके हैं और अभी तक पीरियड नहीं आया, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो सबसे पहला काम आप ये करेंगी कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखेंगी। बहुत ही सिंपल काम है, सुबह के मॉर्निंग यूरिन से आप अपना जो यूरिन टेस्ट आते हैं मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, वो प्रेगनेंसी किट्स आती हैं, उनसे आप मॉर्निंग सैंपल से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेंगे कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, अगर आप मैरिड हैं तो। अगर प्रेगनेंसी आपका रिजल्ट आता है कि प्रेगनेंसी है, दो लाइनें आती हैं, पॉजिटिव है, और आप प्लान कर रही थी प्रेगनेंसी, आपको बच्चा चाहिए, तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको बहुत बहुत। किंतु अगर आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए, क्योंकि ये जो घरेलू उपाय होते हैं या फिर जो हमारी दवाइयाँ, जो सिंपल वाली दवाइयाँ होती हैं, वह अगर प्रेगनेंसी है तो उस पर काम नहीं करती है। उसकी कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं जो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो हम फिजिकली पेशेंट को देख कर ही देते हैं, ऑनलाइन या ऐसे हम नहीं बताते हैं उसे। तो सबसे पहला काम आपने किया कि प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लिया, पर प्रेगनेंसी टेस्ट तो नेगेटिव आया लेकिन पीरियड आपका फिर भी नहीं आया, 10 दिन ऊपर हो गए, 15 दिन ऊपर हो गए, तो और क्या कारण होते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस होना सबसे कॉमन कारण होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस किस कारण से हो सकता है? पीसीओडी की वजह से हो सकता है। पीसीओडी बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है आजकल, एपिडेमिक हो गया है, हर दूसरी तीसरी लड़की को पीसीओडी निकल के आ जाता है। पीसीओडी, जिसे हम पीसीओएस भी कहते हैं, फुल फॉर्म में हम उसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर की हार्मोन्स कुछ इस प्रकार के इम्बैलेंस होते हैं कि आपका पीरियड लेट लेट आने लग जाता है, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, पीरियड्स के अंदर फ्लो कम होने लग जाता है, तो पीसीओडी के कारण आपका पीरियड डिले हो सकता है। आपका पीरियड डिले होने का कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है आपको, आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, आपका वज़न एकदम बहुत बढ़ गया या एकदम बहुत कम हो गया है, आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या आपको थायरॉयड की प्रॉब्लम है लेकिन आप उसकी डोज ज़्यादा ले रही हैं, बॉडी में आपका प्रोलैक्टिन लेवल कम लेवल बढ़ गया है, आप पेरीमेनोपॉजल हैं, यानी आपके पीरियड्स जाने ही वाले हैं, जब पीरियड जाने वाले होते हैं तो भी थोड़े थोड़े लेट हो सकते हैं, तो इन कारणों से पीरियड थोड़ा डिले हो सकता है। तो ये तो हुए कारण, पर ठीक है जो भी कारण हो, मगर आपका चार छः महीने में या साल में एक आधी बार पीरियड डिले हो रहा है, तो हम डेफिनेटली यही कहते हैं कि आप जो नेचुरल तरीके हैं या फिर डॉक्टर के पास सिर्फ पीरियड लाने की दवाई आप ले लीजिए।
लेकिन अगर यही चीज़ बार 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 रिपीट हो रही है, यानी कि हर महीने ऐसा हो रहा है कि पीरियड डिले हो रहा है, तो डेफिनेटली जो मैंने आपको इतने सारे कारण बताए हैं, इन कारणों में से हमें कारण ढूंढना पड़ेगा कि किस कारण से डिले हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देना रहेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपका वंस अ वाइल डिले हो रहा है, यानी कि 6 महीने में या साल में एक आधी बार हो रहा है, तो आपको क्या करना है? तो नेचुरली आप क्या ऐसा कर सकती हैं कि अगर आपका डिले हो गया और तो वो आ जाए, तो देखिए पपीता और पाइनएप्पल ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर की कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो यूट्रस के बच्चेदानी के कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं। स्पेसिफिकली जो थोड़ा कच्चा पपीता होता है, कम पका हुआ पपीता होता है, कम पका हुआ पाइनएप्पल होता है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रकार के तत्व इस प्रकार के पाए जाते हैं जो यूट्रस को उसका कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसके कारण कि पीरियड थोड़े जल्दी आ जाता है। जैसा कि आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, जब प्रेगनेंसी होती है तब भी हम मना करते हैं कि पपीता पाइनएप्पल नहीं खाना है, तो अगर आपको पीरियड चाहिए तो आप पपीता पाइनएप्पल खा सकती हैं, तो थोड़ा पीरियड जल्दी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अजवाइन और जीरा ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंडियन किचन में मिलती है आसानी से। अजवाइन जो होती है वह भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करती है, जनरल भाषा में बोलूँ तो बॉडी में हीट जनरेट करती है, पर हम लोग साइंटिफिकली उसे कहते हैं कि वह यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करती है। तो आप अजवाइन का पानी का प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, एक आधा चम्मच अजवाइन को आप पानी में उबाल के उसको सुबह शाम ले सकते हैं 3-4 दिन के लिए, तो उससे भी थोड़े यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होते हैं और पीरियड्स आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। सेम यही चीज़ जो अजवाइन है वही आप सेम जीरे के साथ भी करते हैं, जीरा भी सिमिलर तरीके से काम करता है, वह भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है। तो ये तो आप नेचुरली डेफिनेटली ये आप नेचुरली घर में ट्राई कर सकती हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, इन चीज़ों में ऐसा कोई ग्रॉस नहीं है कि आप नहीं ट्राई कर सकती। बहुत बार पेशेंट्स यूजुअली ये सब ट्राई करके आते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम यूजुअली पेशेंट्स को हार्मोन की डेवलेट देते हैं जिससे कि फिर पीरियड आ जाता है। हम लोग क्या देते हैं, हम लोग 3-5 डेज के लिए हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है यूजुअली, या तो मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट देते हैं या फिर नॉरएथेस्टेरोन एसीटेट देते हैं। ये दोनों ही हार्मोन्स हम 3-5 दिन के लिए देते हैं। 3-5 दिन में क्या होता है, जो यूट्रस की दीवार होती है वो थिकन्ड हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ती है, फिर जब हम ये दवाई देना बंद कर देते हैं तो हार्मोन का फ्लो कम हो जाता है, तो विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, यानी कि वो अपने नेचुरल तरीके ट्राई कर चुके होते हैं, तो डेफिनेटली वो फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं और हम उनको ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देते हैं, या तो मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या नॉरएथेस्टेरोन एसीटेट 3-5 दिन के लिए, जिससे कि फिर पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन ये हम तभी रिकमेंड करते हैं इन दवाइयों का प्रयोग, दो ही कंडीशंस में रिकमेंड करते हैं, कि पहली बात तो आपको वंस अ वाइल ही ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अगर बार 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 पीरियड डिले हो रहा है तो सिर्फ आप पीरियड आने की दवाई लेके पीरियड लाना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक चीज़ समझिए। तो फिर आपको कारण ढूंढना चाहिए, डेफिनेटली टेस्ट कराने चाहिए कि किस कारण से, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, क्या तकलीफ है जिसके कारण के पीरियड डिले हो रहे हैं। हाँ, 6 महीने या साल में एक बार होता है तो आप ये हार्मोन की दवाई लेके भाई डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं जिससे कि पीरियड्स आ जाएं। अब ये तो बात हुई कि पीरियड डिले हो गया था और हम उसे जल्दी ला रहे थे, लेकिन दूसरी एक और चीज़ मैंने बताई थी कि भाई पीरियड डिले नहीं हुआ आपका 25 तारीख को, सपोजिटली मैं एग्जांपल देती हूँ, एक सपोजिटली आपका पीरियड आना था 25 अप्रैल को और वो 25 अप्रैल को ही आने वाला है, आपका कोई डिले होने का कोई सीन नहीं चल रहा, लेकिन आपको 25 अप्रैल को नहीं चाहिए, आपके घर के अंदर कोई पूजा है या कोई फंक्शन है या आप कहीं घूमने जा रही हैं, आप चाहती हैं कि मैं तो 20 अप्रैल से ही पहले ही फ्री हो जाऊँ इन सब चीज़ों से ताकि ये कोई हेडेक ही नहीं बचे। ऐसा भी बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं, मैडम आप एक काम कीजिए दवाई दे दीजिए ताकि पहले ही पीरियड आ जाए। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये जो पीरियड्स को प्रीपोन करने का सिस्टम है ये बहुत काम का सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी हमें करना क्या पड़ता है, हम हार्मोन्स ही देते हैं, लेकिन ये बहुत रिकमेंडेड या एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, दो प्रॉब्लम होती हैं, एक तो आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जब हम प्रीपोन करते हैं यानी कि हम बीच में हार्मोन देके उसको विड्रॉ करते हैं तो लाइनिंग आधी बनती है आधी हटती है, तो उससे आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, 10 में से 6-7 पेशेंट तो निकल जाएंगे, नहीं उन्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन 3-4 अटक जाएंगे, फिर उन 3-4 को ये हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़े लंबे समय तक चलता रहेगा, 4 महीने चल सकता है, 6 महीने चल सकता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करो। तो एक तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है पहली बात, दूसरा ये कभी भी शॉर्ट शॉर्ट तरीका नहीं होता है, यानी कि हमने दवाई दे दी, अब विड्रॉल ब्लीडिंग हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, और बहुत बार क्या होता है, एक बार विड्रॉल ब्लीडिंग हो गई यानी कि पीरियड्स पहले आ गए, लेकिन जब एक्चुअल जो उनकी डेट है उस टाइम पर भी आ गए, उस टाइम पर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो गई,
तो ये बहुत गारंटीड तरीका नहीं है प्रीपोन करने का। इसकी जगह हम कहते हैं, पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ना प्रीपोन करना चाहिए ना पोस्टपोन करना चाहिए। लेकिन आपकी इमरजेंसी है, आपको किसी भी हाल में उस टाइम पे नहीं चाहिए पीरियड, तो उसको पोस्टपोन करना एक बेहतर सिस्टम होता है। प्रीपोन करने की जगह हम उसको एडवाइस करते हैं, हम पोस्टपोन कर देते हैं। यानी कि अगर जैसे आपको 25 तारीख को पीरियड नहीं चाहिए और आपका एक्सपेक्टेड डेट भी 22-25 के आसपास है या व्हाटएवर इट इज़, तो हम लोग कहते हैं कि हम उसे 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन डिले कर सकते हैं। डिले करने में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वह कम होती है, और रिलेटिवली कि एक सक्सेसफुल रिजल्ट हो, यानी कि हमने पोस्टपोन किया और पोस्टपोन हो ही जाएगा, उसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो नॉर्मल टाइम पे आते हुए पीरियड्स को प्रीपोन नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे भले ही पोस्टपोन कर सकती हैं। इसके अलावा फिर भी कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।